समय की बात है जब भारत में नवाब का शासन चल रहा था। एक दिन नवाब अपने चारों तरफ भारत का नक्शा, पृथ्वी का नक्शा, ग्लोब और बहुत सारी भौगोलिक ग्रंथ लेके बैठे। नवाब चिल्लाते हुए बोले, ले जाओ ये सब मेरे पास से। ये ग्रंथ सब किसी काम के नहीं है। इसमें मुझे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। कुछ राज कर्मचारी सारे ग्रंथ ले गए और नवाब के आगे फल से भरी एक टोकरी को रख दिया। नवाब कह रहे थे, उस प्रश्न ने मेरे मन को पूरा विचलित करके रख दिया है। उसका उत्तर नहीं मिला तो मुझे शांति नहीं मिलेगी, ना तो अच्छी तरह से खा पाऊंगा, ना ही अच्छी तरह से सो सकूंगा। यह कह के नवाब फल खाने लगे। मंत्री ने कहा, नवाब जी, राजा देवेंद्र राजबर्मन एक ज्ञानी आदमी हैं। वो ऐसे कितने मुश्किलों का समाधान कर चुके हैं, आप उनके निकट बुलावा भेजिए। नवाब ने तुरंत आदेश दिया और दूत राजा देवेंद्र राजबर्मन को यह सूचना देने गया। नवाब बोले, अरे ऐसा भी कोई आदमी है जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके? अरे वाह, मुझे बहुत सुकून मिलेगा, कितना मजा आएगा। राजा देवेंद्र राजबर्मन तुरंत नवाब के दरबार में उपस्थित हुए और बोले, प्रणाम नवाब। बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष हो, मैं आपसे बस दो आसान से सवाल पूछूंगा। जैसे भी हो मुझे उसका उत्तर चाहिए। पूछिए नवाब, मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। नवाब वो ग्लोब पकड़ के बोले, मुझे बताइए पृथ्वी की गोलाई कितनी है और ऊपर से नीचे तक दूरता कितनी है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, आसमान में कितने तारे हैं? राजा देवेंद्र राजबर्मन हैरान होके बोले, आप ये क्या बोल रहे हैं नवाब? पृथ्वी का नाप, आसमान के तारे? नवाब बोले, हाँ राजा, यदि तुम मुझे सही सही उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, नहीं तो तुम्हारा राजपाट छीन लूंगा। राजा देवेंद्र राजबर्मन विचलित होके अपने बगीचे में इधर से उधर आ जा रहे थे। तेनाली रामन, जो कि राजा के एक प्रियजन थे, उन्होंने राजा से मुलाकात की और कहा, महाराज आप दो दिन से कहाँ गए थे? मैंने आपको बहुत ढूंढा मगर कहीं पे भी आपको नहीं पाया। राजा बोले, तेनाली रामन, मुझे तुम ही बचा सकते हो। उस दिल्ली के नवाब ने मुझसे एक बहुत टेढ़ा सवाल पूछा है। यदि मैंने उस सवाल का उत्तर नहीं दिया तो मुझे इस राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। तेनाली रामन एक बहुत ही तीखी बुद्धि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने राजा को आश्वस्त किया और उस सवाल के बारे में पूछा। राजा ने कहा, पृथ्वी की ऊपर से नीचे तक नाप कितनी है, गोलाई का नाप कितना है और आसमान में तारे कितने हैं? तेनाली रामन कुछ सोचने लगे और बोले, आप नवाब के पास संदेश भेजिए कि वो 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा अग्रिम देंगे और 1 साल बाद इसका उत्तर मिलने के लिए भी बोल दीजिए। तेनाली रामन खुशी खुशी राजा से स्वर्ण मुद्रा लेके उत्तर ढूंढने के लिए निकल पड़े। ऐसे कुछ महीने बीत गए। 1 साल पूरा होने के लिए कुछ ही दिन रह गए थे। सब लोग तेनाली रामन के बारे में बहुत कुछ बोलने लगे। कोई कह रहा था, अरे देखो तो, तेनाली रामन तो अच्छा पैसा लेके देश विदेश घूम रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे होंगे, विभिन्न प्रकार की कला उनको देखने को मिल रही होगी। फिर किसी ने कहा, अरे मैंने तो तेनाली रामन को एक भेड़शाला में देखा था, वो भेड़ पकड़ के भेड़ की ऊन गिनने के लिए कह रहा था,
मुझे लगता है तेनाली रामन पागल हो गया है। अरे मगर तेनाली रामन ने तो मेरी दुकान से 10 बंडल धागा गिनने के लिए लिया है। वो हमारे स्कूल आए थे और हमको कह रहे थे कि कुछ अनसुलझे धागे सुलझा देने के लिए चाहिए। मुझे तो लगता है तेनाली रामन का मरना सुनिश्चित है। एक साल बाद तेनाली रामन नवाब के दरबार में पहुंचे। सब लोग भी वहां पर इकट्ठा हुए उत्तर सुनने के लिए। सब बहुत ही उत्साहित थे। तेनाली रामन कुछ भेड़ और टोकरी में लकड़ी भर के अनसुलझे धागे लेके वहां पे उपस्थित हुए। नवाब ने पूछा, बोलो तेनाली रामन, मेरे सवाल का उत्तर दो। तेनाली रामन बोले, हुजूर, इस टोकरी में जितने धागे हैं वो धागे पृथ्वी की गोलाई और ऊपर से नीचे तक के नाप के बराबर होंगे। तुरंत नवाब ने निर्देश दिया, इन धागों का नाप लिया जाए। कुछ मंत्री बोले, नहीं हुजूर, इतने अनसुलझे धागों को खोलना नामुमकिन है। तेनाली रामन बोले, ठीक बात है हुजूर, कोई भी पृथ्वी को सही रूप से नाप नहीं सकता। नवाब ने कहा, और मेरे दूसरे सवाल का जवाब? हुजूर, इन भेड़ों के शरीर में जितनी ऊन है उतने तारे आकाश में हैं। तो फिर भेड़ों की ऊन गिनी जाए। यह कह के नवाब जोर जोर से हंसने लगे। हा हा हा, तेनाली रामन, मैंने दोनों ही बेमतलब के सवाल किए थे, जिसका ऐसा ही उत्तर मुझे मिलना चाहिए था। वो जो भी हो, तुम्हारे जैसा चालाक इंसान मैंने कहीं भी नहीं देखा। तुम्हारे उत्तर ने मेरे मन को शांति दी। ये लो, और 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा। ये तुम्हारी बुद्धि की करामात के लिए तुम्हारा पुरस्कार है।